इश्यू है ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब आप करो अपनी तारीफ कराओ करो, बट उसमें किसी का नाम जोड़कर कराओगे तो प्रॉब्लम तो किसी को होगी। अब हम अपना घर पर गोरिया होता है लेकिन फाड़ दे छीर दे क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फलानवा तरह का फाड़ दे तब तो फलानवा का फरवा तो फलानवा बैठल थोड़ी बा, वो तो फाड़े खातिर वो फाड़े खातिर को एगो हथियार लेके निकल बा, इससे वो होता है क्या किसी को मैं किसी को मना नहीं करता। और जहां तक बोलने की सवाल है भाई, हमारा से ज्यादा भोजपुरी में क्यों बोली ना, क्योंकि हमको बोलने आता है, हम पढ़े नहीं है लड़े हैं समय से, हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं फ्लाइट से नहीं गए, तब हमें पता है कि मार्केट में कितनी दुकान है, तब हमें पता है कि किस बाजार में क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपने जीवन को लेकर जाया जाता है। तो जिंदगी में अभी आज राजकुमार सिंह थोड़ी बने, इनसे खुद ही पूछिए आही राम है या कम से कम 50 को तो भैंसी रख ले बड़े, विषय वो नहीं है। आज भी मैं इनके तबेला पे जाता हूं तो ओरिजिनल दूध मिलता है, विषय वो नहीं है, कोई कर्म बुरा नहीं होता है, बस मेहनत होना चाहिए। ये आदमी मेहनत करके, इनको भी पता है अपनी औकात, मुझे भी पता है अपनी औकात, लेकिन आज आप लोग का प्यार और सम्मान ही इनको भी बड़ा किया है और मुझे भी, और आने वाले भविष्य को भी बड़ा करेगा, चाहे वो कोई भी दुनिया का आदमी हो। बस इससे ज्यादा कुछ क्या कहूं मैं। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई चाहे वो मेरे सपोर्ट में बनाते हो, प्लीज आप किसी को भी बोलिए, अगर कोई मुझे गाली भी देता है ना तो उसको गाली मत दो, उसको सम्मान दो। आप सम्मान दोगे ना तो आज नहीं तो कल वो भी देख देख के सम्मान देना सीख ही जाएगा। हाँ, गाली देके किसी का सम्मान मत करो भाई, वो दे रहा है ना। तो मैं सब अपने यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अगर सम्मान दो या कुछ कहो प्रतिक्रिया दो तो उसको गलत भाषा से प्रमोट मत करो प्लीज, क्योंकि आप भोजपुरी भाषा को गाली दे रहे हो, किसी कलाकार को दे रहे हो, तो सिर्फ खेसारी को नहीं बल्कि किसी को भी। तो प्लीज आप लोग अपने शब्दों का चयन करके ही किसी के लिए बात करिए, तो शायद हम भी बच जाएंगे, हमारी भोजपुरी भी बच जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यूट्यूबरों को मसाला मिल चुका है, अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्रिएटर हैं उनके साथ कुछ रील बना ले। श्वेता जी से हाँ दो बात प्लीज, अभी तार सवाल तबाही बाबा। हाँ अरे हम डर, देखिए बात वहां नहीं, हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना, कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं, भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा, उनके बुलाने पे मैं जाऊंगा। नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे, आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी है, धरती जब तक रहेगी, के सारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे हैं और रहेंगे। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताइए हमारे बेटा आगे उनके गोरिया या बापे को होता कि ना एक नंबर काम बा, तो भोगी के बबुए नू बेटा तो बोल के निकल जाए, लेकिन इलाज है बाप जी। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं। वो मेरे बड़े भाई थे हैं और कमाल के सिंगर हैं, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, पूरी भोजपुरी सम्मान करती है भाई, इसमें कहने की क्या बात है। वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो तो मन से मेरा नाम भी नहीं लेते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूं भाई, वो उनका विषय है, उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, नहीं मैं ऑलरेडी बड़ा हूं, हां और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है। जो मेरे गार्जियन, अब हमारे बाबू जी हमारा नाम ना लिया तो हम ना ले, काहे ना ले, लेंगे हमारी अलग प्रॉब्लम। अच्छा सुनो सुनो बताओ तनी सुनो, बात उसी नहीं है, खेसारी लाल 8 साल पहले गा देले भाई, ठीक, आज एकरा पत्थर पर जुग जामे ला तो ढोल ढोल बजवावे ला कि ना बजवावे, तो मान के चलो जे तो 20 साल पर लइका होई तो ढोल ना बजवाई, तो बजवावे तो ढोल का दिक्कत भावे सब लोग। अच्छा बात है कि भोजपुरी, भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है अगर हम दूसरे स्टेट में काम करते। तो थैंक यू सो मच।
आप लोग हद कर दी राजा जी को प्रमोशन करो बगले इस दावत रही। हर इवेंट में आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और जिसके लिए भी बोलिए सम्मानजनक बातें को चयन करके बोलिए ताकि अपनी भोजपुरी की गरिमा बढ़े। थैंक यू सो मच।